बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डाउनफॉल। इस कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्राउडल है। ट्राउडल हिटलर के बारे में सब कुछ जानती है क्योंकि वो किसी जमाने में उसकी सेक्रेटरी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वक्त होता है सन 1942 का, जब हिटलर ने ट्राउडल को अपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया था। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका था। 2.5 साल बाद दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर, जो कि जर्मनी की राजधानी है, जो कभी सबसे सुंदर हुआ करती थी, अब वहाँ पर टूटी फूटी इमारतें हैं। साथ ही यहाँ पे आर्टिलरी फायरिंग भी हो रही होती है, जिस बात से हिटलर परेशान हो जाता है। उसका आर्मी ऑफिसर उसे बताता है कि रशियन फौज हमसे बस 12 किलोमीटर दूर है, वो कभी भी शहर के अंदर पहुंच सकती है। इसके बाद बर्लिन शहर में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता है और वहाँ पर जितनी भी आर्मी होती है सब की सब वहाँ से निकल जाती है। वही हिटलर का आज 56वां बर्थडे होता है। उसके बर्थडे पर उसके बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स जनरल्स उससे मिलने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक ऑफिसर हिटलर को कहता है कि आपको बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए, आप पॉलिटिक्स यूज करो ताकि आप अपनी जान बचा सको। हिटलर कहता है कि मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है मेरे मरने के बाद जितनी चाहे पॉलिटिक्स करना। इसके बाद हिटलर वहां से चला जाता है। वो अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है जहां पर बर्लिन का एक नया मॉडल होता है। दरअसल हिटलर बर्लिन को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहता है। हिटलर कहता है कि एक बार हम जंग जीत जाएं, इसके बाद हम बर्लिन से सारा मलबा बाहर निकाल देंगे और ये मॉडल जिसे बनने में कई साल लगे हैं हम बर्लिन को हूबहू ऐसा ही रूप देंगे। हालांकि हिटलर के यहाँ पर सभी बहुत खास आदमी होते हैं, वो जानते हैं कि अब हिटलर जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वो हिटलर को कहते हैं कि तुम्हें बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए। पर हिटलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरा अंत सच में लिखा है तो मैं उस अंत को देखना चाहूंगा। वहीं बर्लिन शहर की सड़कों पर दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अब इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि जर्मनी जंग में हार चुका है। पर अभी भी यहां पर हिटलर के कुछ फॉलोवर्स, जिसमें कुछ जवान और कुछ 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो रशिया की फौजों का मुकाबला करना चाहते हैं। तभी इन बच्चों में से एक बच्चे का पिता आता है और वो इन्हें बताता है कि रशिया यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स लेकर आएगा, तुम चाहकर भी उनसे नहीं जीत सकते। उसे बताया जाता है कि तुम्हारे 10 साल के बेटे ने 2 रशियन टैंक्स को तबाह किया है और खुद हिटलर अपने हाथों से उसे मेडल देगा। उसका बेटा भी इस बात पर यकीन करता है कि हिटलर की यानी कि जर्मनी की जीत होगी, इसीलिए वो अपने पिता को कायर कहकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हिटलर अपने सभी आला ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि हम किस तरह से इस वॉर को जीत सकते हैं, किस तरह से अपने शहर बर्लिन को बचा सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है, पर यहाँ पर एक ऑफिसर होता है, वो कहता है कि जब रशियन और अमेरिकन फौजें अंदर आएंगी तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पर शहर में 30 लाख लोग हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और कुछ लोग घायल भी हैं। इस बात पर हिटलर कहता है जंग में सिर्फ सिपाही यानी कि सोल्जर्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दरअसल हिटलर को किसी बात की परवाह नहीं है, वो किसी भी तरह से इस जंग को जीतना चाहता है, वो अपने शहर बर्लिन को बचाना चाहता है जो पूरी तरह से नामुमकिन है। पर फिर भी हिटलर लगातार कोशिश कर रहा होता है। वो अपने एक ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि जर्मनी की हर फैसिलिटी को बंद कर दो, यानी कि खाना, पीने का पानी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, हर तरह के साधन को पूरी तरह से खत्म कर दो ताकि अमेरिकन और रशियन सोल्जर्स यहाँ पर सरवाइव ना कर पाए। उसका ऑफिसर कहता है कि ऐसा करने से हमारे अपने लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी, उनकी भी जाने जाएंगी। पर हिटलर कहता है कि वो लोग जो जंग में शामिल नहीं है उन्हें वैसे भी जीने का कोई हक नहीं है। पर सब जानते हैं कि रशियंस को और अमेरिकन्स को रोका नहीं जा सकता, वो बर्लिन शहर के अंदर घुस आए और साथ ही वो अब हिटलर के सोल्जर्स को लगातार मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हिटलर एक बार फिर से मीटिंग बुलाता है जिसमें वो कहता है कि हमें इनका मुकाबला करना होगा, स्टेनर को मैंने ऑर्डर दिए, वो उन पर आर्टिलरी फायरिंग करेगा। हिटलर को बताया जाता है कि स्टेनर ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने सैनिकों को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। इस बात पर हिटलर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं कभी एकेडमी नहीं गया, मैंने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसके बाद भी मैंने यूरोप पर कब्जा किया, तुम सब के सब कायर हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें लीड नहीं करूंगा, हम ये जंग हार चुके हैं, पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं बर्लिन शहर छोड़कर चला जाऊंगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा।
हालांकि हिटलर के साथी उसके साथ बर्लिन में नहीं रुकना चाहते, पर उसकी गर्लफ्रेंड एवा और उसकी सेक्रेटरी ट्रोडल ये फैसला करती हैं कि वो हिटलर के साथ यहीं बर्लिन में रुकेंगी, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं हिटलर की राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोसेफ है। अब वो भी हिटलर के बंकर में आ चुका है। दरअसल हिटलर जिस जगह पर रहता है वो एक तरह का बंकर है। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही है, इसीलिए जोसेफ अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ हिटलर के यहाँ पर रहने आ चुका है। इसके बाद हिटलर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एवा, ट्रोडल और एक लड़की के साथ एक कमरे में बैठा होता है, जहां हिटलर इन तीनों को अपने मन की बात बताता है। वो कहता है कि दुश्मन के हाथों आने से अच्छा मैं अपने आप को मारना चाहूंगा। वो ये भी बताता है कि वो अपनी जिंदगी का अंत किस तरह से करना चाहेगा। उसकी गर्लफ्रेंड एवा बोलती है कि मैं ऐसी मौत नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं सुंदर लगूं। इसके बाद वो एक गोली निकालती है और बताती है कि ये साइनाइड है, इसे खाने के बाद आसानी से जिंदगी खत्म हो जाती है। वहां बैठी दूसरी लड़की और हिटलर की सेक्रेटरी भी हिटलर से इसकी डिमांड करती है। हिटलर उन्हें साइनाइड दे देता है और कहता है कि इस वक्त में मैं तुम्हें इससे कीमती तोहफा कुछ भी नहीं दे सकता। इसके बाद हिटलर अपने सभी जरूरी कागजों को जला देता है। वहीं हिटलर की गर्लफ्रेंड एवा को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को एक लेटर लिख रही होती है। उसमें वो लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मैं तुम्हें एक नेकलेस भेज रही हूँ जो हिटलर ने मुझे गिफ्ट किया था। दरअसल यहाँ पर सबको एहसास हो चुका है, सबको यकीन हो चुका है कि वो जंग हार चुके हैं और कभी भी उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसके बाद हिटलर को उसके एक चीफ जिसका नाम हरमन है, उसका एक लेटर मिलता है जिसमें हरमन ने लिखा होता है कि बहुत जल्दी वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि अब हिटलर देश को नहीं चला सकता। साथ ही उसने लेटर में ये भी लिखा होता है कि 10 बजे तक अगर हिटलर का कोई भी मैसेज नहीं आया तो वो समझ लेगा कि ये हिटलर की हाँ है। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। हिटलर कहता है कि वो एक देशद्रोही है, मैं उसे उसके पद से निकालता हूँ, साथ ही उसे खत्म करने का ऑर्डर भी देता हूँ। अब हिटलर वो हिटलर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। चलते हुए उसके हाथ भी कांपते हैं और ना ही उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से स्टेबल है। इसीलिए वो अपनी एयरफोर्स को कहता है कि चारों तरफ से रशियंस को घेर लो और उनके ऊपर हवाई हमला करो। दरअसल हिटलर ये भूल चुका है कि उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है, उसकी एयरफोर्स पूरी तरह से निष्ठो नाबूद हो चुकी है। साथ ही हिटलर को अब ये भी बताया जाता है कि 2-3 दिनों के अंदर रशियंस और अमेरिकन उस तक पहुंच जाएंगे। हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है और कहता है कि हमें एक बार फिर से हमला करना होगा, पर उसकी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हिटलर की आर्मी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो घायल हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो अमेरिकन्स और रशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। हिटलर को पता है कि अब उसकी हार हो चुकी है, इसीलिए वो अपने एक आर्मी ऑफिसर के पास जाता और उसे बताता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एवा बहुत जल्दी अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडीज दुश्मन के हाथ ना लगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे अंत के बाद तुम हमारी बॉडी को जला दोगे। हालांकि वो ऑफिसर इस ऑर्डर को नहीं मानना चाहता, पर वो ना हिटलर को मना कर सकता है ना ही समझा सकता है। इसके बाद हिटलर अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे वो अपना अंत करेगा। उसका डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं, हो सकता है कि जब तुम अपने आप को गोली मारो तो तुम्हारा हाथ हिल जाए और गोली तुम्हारी जान न लेकर सिर्फ तुम्हें जख्मी करे। इसीलिए पहले तुम्हें साइनाइड खाना चाहिए और साइनाइड के तुरंत बाद अपने आप को गोली मार देनी चाहिए ताकि तुम्हारी 100% मृत्यु हो जाए। दरअसल हिटलर ने डॉक्टर से कहा होता है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर उसे ये सलाह देता है। अब हिटलर सबसे पहले अपने सबसे प्रिय डॉग को, जिसका नाम ब्लॉन्डी है, उसे साइनाइड का जहर देता है, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता कि उसके बिना उसका ब्लॉन्डी इस दुनिया में रहे। हिटलर इसके बाद डिनर करने के लिए जाता है जहां पर उसके खास लोग होते हैं। हिटलर से खाना भी नहीं खाया जा रहा होता है, वो खाने की टेबल से पहले उठ जाता है। वो हिटलर जो कभी शेर की तरह दहाड़ा करता था, अब उसे चलने में, खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। जाने से पहले वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वक्त आ गया है। बाहर जाकर वो अपने सभी प्रियजनों से मिलता है और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एवा, जिससे अब वो शादी कर चुका है, जो कि अब उसकी पत्नी है, उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। बाहर सबको पता है कि हिटलर की ये रात आखिरी रात है, सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और तभी गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि हिटलर का अंत हो चुका है। इसके बाद हिटलर को और उसकी
पत्नी एवा को कंबल में लपेटकर ऊपर ले जाया जाता है, जहां पर जमीन में गड्ढे के अंदर इन दोनों को एक साथ डाल दिया जाता है और हिटलर की आखिरी इच्छा के मुताबिक इन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिटलर के सिपाही उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद सोवियत के पास जर्मनी के कुछ बड़े ऑफिसर्स जाते हैं, वो उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, पर जर्मनी की कुछ शर्तें होती है। सोवियत वाले उनकी शर्तों को नहीं मानते, जिस वजह से जंग अभी भी नहीं रुकती। हिटलर का वो राइट हैंड जिसका नाम जोसेफ है, जो अपनी पत्नी और अपने 6 बच्चों के साथ हिटलर के बंकर में अभी भी है, वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हिटलर सरेंडर नहीं करना चाहता था, मैं हिटलर को धोखा नहीं दे सकता। उसके साथ ही ऑफिसर बताते हैं कि हम जंग में हार चुके हैं, हम चाहे जो भी कर लें, हम रशियंस का, अमेरिकन्स का, यानी कि सोवियत यूनियन का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। जोसेफ को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी है कि उसके साथी ऑफिसर जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए उसी रात को जोसेफ की पत्नी अपने सभी बच्चों को नींद में खत्म कर देती है। इसके बाद जोसेफ और उसकी पत्नी बंकर से बाहर आते हैं, जहां जोसेफ अपनी जिंदगी और अपनी पत्नी की जिंदगी को खत्म कर देता है। अब हिटलर के बंकर के अंदर जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं, पर कुछ आर्मी ऑफिसर जो हिटलर के खास थे वो किसी भी कीमत पर अमेरिकन्स के, रशियंस के हाथों में नहीं आना चाहते, इसीलिए वहीं वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वहीं बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ तबाही है। सोवियत के ऑफिसर सोल्जर्स यहां तक पहुंच चुके हैं, जो हिटलर के खास आदमियों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, पर हिटलर की सेक्रेटरी ट्रूडल सोवियत के सोल्जर्स के सामने से निकल जाती है। और अंत में दिखाया जाता है कि वो साइकिल में एक बच्चे के साथ बर्लिन से बाहर निकल चुकी है। हिटलर एक क्रूर इंसान था, जिसके अंदर इंसानियत का कतरा भी नहीं था। उसकी वजह से 5 करोड़ लोगों की जाने गई। हालांकि हिटलर ने खुद अपनी जान ली थी, लेकिन उसने इस दुनिया को जो जख्म दिया है उसके लिए ये सजा बहुत कम थी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था, यानी कि अब वॉर खत्म हो चुकी है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हिटलर की सेक्रेटरी, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, जिसका नाम ट्रूडल है, उसके दिल में आज भी वर्ल्ड वॉर टू का दर्द है। वो कहती है कि लाखों लोगों की जाने गई, 60 लाख ज्यूज लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिया गया, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। इन चीजों को वो कभी भी भूल नहीं सकती। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी हिटलर के जीवन के अंत की सच्ची कहानी, जिस पर मूवी बनी थी 2004 में, डाउनफॉल। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $93 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।